यूपी के गाजियाबाद और साहिबाबाद पुलिस ने एक आरोपी को 94,000 के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर युवक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह पिछले एक महीने से नकली नोटों की छपाई कर रहा था और इसकी शिक्षा यूट्यूब से ले रहा था। नोट छापने की कला में उसने एक महीने के अंदर ही महारत हासिल कर ली। वहीं पुलिस ने युवक के पास से 500 रुपए के 128 नोट, 200 रुपए के 80 नोट, 100 रुपए के 140 नोट समेत कुल 94,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं नकली नोटों को बनाने वाले उपकरणों को भी बरामद किया गया है, जिसमें प्रिंटर, 3 कटर, एक पैमाना और नोटों को चिपकाने के लिए एक फेविकॉल की डिब्बी और नोटों की छपाई में प्रयोग में लाया जाने वाला 200A4 साइज की प्लेन पेपर भी शामिल है। आपने देखा कि किस तरीके से इस कारनामे की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं नकली नोटों की छपाई पिछले एक महीने से हो रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सीओ साहिबाबाद और थाना अध्यक्ष साहिबाबाद की टीम तथा पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम के द्वारा आज एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट छाप करके मार्केट में चलाता था और लोगों को कम पैसे में असली नोट लेकर के नकली नोट देता था। इससे 94,000 नकली नोट बरामद किया गया है तथा प्रिंटर जिससे नकली नोट प्रिंट करता था और फेविकोल वो कागज़ जो उस पर चिपकाता था और बाकी कटर अन्य कई सामान इससे बरामद किए गए। पेपर जो सामान्य रूप से हम लोग फोटो स्टेट की कॉपी में यूज करते हैं उसी पेपर पर ये नोट छापता था। ये मुखबिर की सूचना पर ये जब पता चला था कि ये किसी को नोट देने के लिए आ रहा है, 1,00,000 की जगह 35,000 की डिमांड इसने की थी जब ये सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर टीम वहाँ लगा दी गई थी और उसको रंगे हाथ वहाँ से पकड़ लिया गया। ये पिछले करीब एक महीने से करीब प्रैक्टिस कर रहा था इस बात की। 20 दिन जैसा पूछताछ में इसने बताया था कि 20 दिन इसको लगा था सीखने में। यूट्यूब के माध्यम से इसने ये सीखा था कि नकली नोट कैसे बनाए। फिर इसके बाद जब सीख लिया इसने और नोट ठीक बनाने लगा तब ये जो ग्राहकों को संपर्क करके इसको बेचने का प्रयास कर रहा था। नहीं, ये अकेला ही ये काम कर रहा है।